अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। जिस कई दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। जिस तरह आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते, खुशी मनाते, उसी तरह राइट टू वोट को सेलिब्रेट करिए। ये आपका हक ही नहीं बल्कि एक फ़र्ज भी है। 48 घंटा पहले जब बात प्रचार जब बंद हो जाता है वोटिंग के दिन के पहले से, उसी तरह का माहौल मुंबई में भी था। वोट एक्सचेंज करने का, बाइंग एंड सेलिंग का, ट्रेडिंग का, वो भी चालू था। लोगों से कहा गया घर बैठो, लेकिन देने वाला जाने, लेने वाला जाने। पुलिस कई जगह पहुंच पाई, कई जगह नहीं पहुंच पाई, कई जगह उनको उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन लेने वाले से मैं ज़रूर कहूंगी कि लेने कुछ चीज़ का ब्राइब लेने का मतलब क्या है पता है? उन्होंने आपको ख़रीद लिया है। आप याद रखिए और आइए और बाहर अपना वोट एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एडुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, आपका घर का मसला, बिजली का मसला, सब चीज़ इन चीज़ों पर निर्भर होता है जो आपके लिए प्रॉब्लम दी जाती है। क्योंकि इन लोगों ने आपके खरीदा है, ये हरगिज़ आपकी मदद नहीं करेंगे उस वक्त जब आपको मदद की ज़रूरत रहती है, और आप यहाँ वहाँ एक्टिविस्ट और ये सब लोगों के पास भागते रहते हैं और 5 साल दूसरे परेशान रहते हैं। मैं लाल मिट्टी, नरगिसत नगर, बहरामपाड़ा, बांद्रा स्लॉटर हाउस, महाराष्ट्र नगर, कुरला, चांदीवली, कालीना, सब लोगों से कहूँगी बाहर आओ और अपना वोट इस्तेमाल करिए। आप कोई भी धर्म मानते होगे, आप मुनाफिक नहीं हो सकते हैं। आपको ऊपर वाले को जवाब देना है और दिल खोल के वोट दीजिए और बेडर, विदाउट फियर, जस्ट गिव इट एंड कम। दैट इज़ माई ओनली अपील टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड अल्लाह।